मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस यस सर, यस यस सर, सर, चलो ठीक ठीक। अपने अपने जिला का गाड़ी का नंबर याद कर लिए तुम लोग? है सर। यस सर, यस यस अपने अपने जिला का गाड़ी का नंबर यह है, याद कर लेना है, ये सब देख लो अच्छे से। और इसमें ध्यान रखना है कि जानना है कि ठीक है, सारे जो नंबर हैं वो इंग्लिश में होंगे, सभी वर्ण अंग्रेजी में होंगे, ठीक है ना, अल्फा न्यूमेरिक, है हिंदी में या किसी और भाषा में नंबर प्लेट नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। सबका अपना अपना नियम है इसका, ठीक है, तो नियम के अकॉर्डिंगली इस चीज को समझना है। हाँ, ओके। ये भेजा गया था तुम लोगों को, इसको पढ़े थे? सर, इसमें है कि कृषि उत्पादों के लिए बिहार में ही क्या होगा, कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा, एक नया चीज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। चूंकि ये बताया गया है कृषि के उत्पाद को के मूल्य को बढ़ाने के लिए, किसानों की आमदनी को बढ़ाने का लक्ष्य है सरकार का, है ना, इसी पर्पस से सरकार चाहती है कि इस प्रकार से हम लोग कोई काम करें ताकि किसानों को अधिक से अधिक फायदा मिले, ठीक है ना। इसके लिए बिहार के किसान और उद्यमियों के साथ मिलकर अपने उत्पादों को बिना किसी परेशानी के विदेश भेज सकें, इसके लिए बिहार सरकार ने, है ना, एक नई नीति बनाई है, नई नीति के बारे में सोचा है, ठीक है। और इस नीति के तहत कृषि निर्यात में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए, है ना, और कस्टम क्लियरेंस की सारी सुविधाएं बिहार में ही उपलब्ध करवा दिए जाएं। ऐसे कस्टम क्लियरेंस बेसिकली क्या होता है, जहां से एक्सपोर्ट होता है वहां जाकर होता है, ठीक है ना, वहां पर होता है। लेकिन बिहार सरकार में क्या होगा, अब बिहार में ही कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा, बिहार के उत्पादों को, ठीक है, बढ़ावा मिलेगा, इससे काफी फायदा होगा, ठीक है ना। ये तुम लोगों को जानना है, ये कैबिनेट से मंजूरी मिलेगा, अभी तो प्रस्ताव है, कैबिनेट से मंजूरी मंजूरी मिलने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। और कृषि मंत्री से बातचीत हुआ था, उस बातचीत में उन्होंने बताया है पत्रकारों को कि जिस तरह से सरकार अभी, ठीक है, किसानों को, ठीक है, बीज भी उपलब्ध करवा रही है, मार्केटिंग भी उपलब्ध करवा रही है, ठीक है। तुम लोग अपना अपना बंद रखो, सुधीर कुमार बंद रखो, दारुल अपना अपना माइक को म्यूट रखेंगे, ठीक है। तो कृषि को, चूंकि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, इसलिए कृषि को एक बड़े से अपॉर्चुनिटी के रूप में चेंज करने की बिहार सरकार की योजना है। इसीलिए बिहार के उत्पाद को अन्य राज्यों में भी मार्केट उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर आ रही है। उसी में से कस्टम क्लियरेंस एक, है ना, अलग मेजर्स है। तो ऐसा नहीं है कि यह क्वेश्चन वहां पूछा ही जाएगा, लेकिन जब कभी भी बिहार के विकास की बात आएगी, बिहार में कृषि के विकास की बात आएगी, कृषि की संभावनाओं की बात आएगी, है ना, तब वहां पर इस तरह के, है ना, फैक्ट्स को वहां जोड़ा जा सकता है, ठीक है, इस तरह के फैक्ट्स को वहां पर जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी जगह पर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना, और न्यूनतम मजदूरी से रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं, ठीक
न्यूनतम मजदूरी के बारे में पूछा जा सकता है। अभी राज्य सरकार में श्रमिकों का न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दिया गया, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया गया 15%, ठीक है, और बड़ी मजदूरी मिलेगी अब सितंबर महीने से, ध्यान रखना है। और श्रम संसाधन विभाग इसके बारे में बात करता है, बिहार में न्यूनतम मजदूरी के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल है, एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई है जिसमें 15% की वृद्धि पर, ठीक है, सहमति व्यक्त की गई और कल से यह लागू हो जाएगा, 1 सितंबर से लागू हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो सामान्य कार्य के लिए जो नियोजन है वहां पर जो काम करने वाले अनस्किल्ड लेबर है, देखो लेबर दो तरह का होता है, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर, उन लोगों के मजदूरी में 46 रुपये बढ़ोतरी किया गया है और यह 366 रुपया हो जाएगा, 48 रुपये बढ़ाया गया, मतलब अभी था 318 रुपया और अब 48 रुपये बढ़ा करके क्या हो जाएगा, प्रतिदिन अब उसका, ठीक है ना, मजदूरी में वृद्धि हो जाएगी। इससे किसानों को क्या होगा फायदा, ये मजदूरों को फायदा होगा, अर्धकुशल कुशल अर्ध कुशल मजदूरों की दैनिक मजदूरी भी बढ़ाई गई 50 रुपया, 60 रुपया, 48 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपये, ये जानना है। अभी एक विद्यार्थी का इंटरव्यू था, वो कोई फैक्ट्री चलाता था, चला रहा है अपने फादर के साथ, आज इंटरव्यू था उसका, तो इन सब बातों को, ठीक है, वैसे वैसे विद्यार्थी को निश्चित रूप से जानना चाहिए। स्क्रैप पॉलिसी पहले भी बताया गया है तुम लोगों को, स्क्रैप नीति बताया गया है, ठीक है ना, पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए सब लोग पढ़ा होगा इसको, खास करके जो गाड़ियां पुरानी हो गई है 15 साल से ऊपर, पुराना का मतलब होता है 15 ईयर्स से ज्यादा हो गया, ठीक है ना, अशोक कुमार, समरजीत कुमार, तुम लोग बंद रखो ना तो रिमूव करेंगे तुम लोग को, किसी का भी अगर ऐसे पाया जाएगा आवाज आएगा तो रिमूव हो जाओगे, या तो पढ़ाने दो आने दो, तुम लोग हल्ला करो तो बाहर जाके करो, काम है करा दीजिएगा, उसमें लेना था क्या, अच्छा ठीक है, जाइए तो इसको ले लेते हैं, हाँ निकल जाइए, अच्छा अच्छा ठीक है। पुरानी गाड़ियां ऐसे मान जाते उधर ही उसी आखिरी उसी रोड में जाना है हमको, वास्को के पास 8:30 तक पहुंच जाइएगा, कैसे भरवा के आना चाहिए, राज्य भर में जो पुरानी गाड़ियां हैं, पुराना का मतलब होता है 15 साल से ऊपर की जो गाड़ियां हो गई है, एक दूसरा जो एक्सीडेंट में गाड़ियां जहां तहां थानों के आसपास में देखते हो कचरा के रूप में पड़ा हुआ रहता है, उस गाड़ियों को विनष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसको लेकर परिवहन विभाग, ठीक है ना, एक स्क्रैप सेंटर खोलने की बात कर रही है, और स्क्रैप सेंटर क्या होगा 15 वर्ष जिलों में खोले जाएंगे, 20 स्क्रैप सेंटर होंगे, और आप लोग क्या करेंगे अगर वो स्क्रैप सेंटर 15 जिले में आपके जिले आते हैं तो आपको जरूर यह न्यूज जानना चाहिए, ठीक है, जैसे वैशाली, समस्तीपुर, सिवान, भागलपुर, बांका, गोपालगंज, कटिहार, मधुबनी, सहरसा, देखो ना, सब सबको जानना है, ठीक है, ये सब जिले हैं जहां पर खोला जाएगा इसको, ठीक है। हाँ, स्क्रैपिंग सीधे नहीं हो जाएगा, स्क्रैपिंग करने के लिए पहले गाड़ियों की जांच होगी, उसके लिए आरसी वगैरह देखा जाएगा, किसकी गाड़ियां हैं, मालिक उसका कौन है, सही है या नहीं है, उसके लिए, ठीक है ना, ऑनर बुक वगैरह भी चेक किया जाएगा, ठीक है, ऑनर बुक की मदद ली जाएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ ही पुलिस की ओर से चोरी होने वाली घटना के बारे में भी रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा, NCRB याद रखना है, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके बारे में पेपर में आज 2-3 जगह पर आया हुआ था NCRB के बारे में, इसको जानना है सभी लोग, ठीक है, और वर्दी पहनने वाले लोगों को तो जानना है, NCRB के आंकड़ों को भली भांति अच्छे से समझने की जरूरत है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति इसको खोल सकता है, अपने फर्म के रूप में, सोसाइटी के रूप में, ट्रस्ट के रूप में खोल सकता है, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से इसके लिए इजाजत लेना होगा, अपना एक GST नंबर रखना होगा, एक खाता खोलना होगा, इसकी जानकारी बहुत जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि भाई स्क्रैप सेंटर खुल रहा है बिहार में, 15 जिलों में 20 सेंटर खुल रहा है, ये जानकारी रखना है जरूरी,
कौन कौन जिले में है, तो खासकर जो तुम्हारा जिला है उस जिला के विद्यार्थी इसको जरूर याद रखेगा। एक्सीडेंट के केसेस के बारे में कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था, आज भी कर रहे हैं। यहाँ भी देखो एनसीआरबी का रिपोर्ट है, यहाँ भी एनसीआरबी का ही रिपोर्ट है कि काफी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ठीक है। तो देश में सबसे अधिक पैदल चलने वाले लोग बिहार में सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, मतलब पैदल यात्रियों की जान सबसे ज्यादा बिहार में जा रही है। एनसीआरबी का आंकड़ा है 2021 का है, सड़क हादसों में कुल 18,936 पैदल यात्रियों की मौत हुई थी, ठीक है, पूरे देश में। और उसमें से बिहार में सबसे अधिक हुआ 2,799 लोगों की मौत अकेले बिहार में हुई, जो 14.8% 15% के आसपास है। ऐसे मोटा मोटी याद रखोगे 15% के आसपास हुआ है। और सर्वाधिक मौत जो हुआ है दोपहिया वाहन चालकों की हुई है। तो ये सब पॉइंट को याद रखना है, रटना नहीं है कि 18,936, 2,796, 14.8, रटना नहीं है, मोटा मोटी याद रखना है, ठीक है ना। 1800 के आस 18,000 या 19,000 के आसपास वर्ल्ड पूरे इंडिया का है, 2700-2800 पूरे बिहार का है, 15% के आसपास है, मोटा मोटी है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो दोपहिया वाहनों का जैसे कि रूट के जाने रोड रूल को सही तरीके से फॉलो नहीं करना एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। ओवर स्पीडिंग स्पीडिंग दूसरा कारण है। सड़कें जो हैं काफ़ी तेजी से चौड़ी सड़कें और तेज गति चलने वाली सड़कें बनाई जा रही हैं, उसपे क्या होता है स्पीड ज़्यादा रहता है, जैसा गलती होने पर हैवी एक्सीडेंट होता है, जान चली जाती है, मेजर यही कारण है, ठीक है। इसे सजगता सतर्कता जरूरी है, स्पीड को कम करना जरूरी है, सब बातों को ध्यान में रखना है। तो एक ये न्यूज है कि पटना से ज्यादा अपराध सूरत पुणे बंगलुरु और दिल्ली में। अब ये न्यूज बताने की क्या आवश्यकता है, यहाँ पर ये पॉइंट बताने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। केरल में सबसे अधिक आत्महत्या के मामले हैं, बिहार में सबसे नीचे है, सुसाइड करने वाले लोग यहाँ पर नहीं है, यहाँ जीवट लोग रहता है, लड़ते रहता है लोग, लड़ते रहता है, कितना कष्ट है लेकिन लड़ने के तैयार रहता है, मतलब संघर्षों से लड़ने के तैयार रहता है, ये अच्छी बात है, बिहार में इस तरह की बातें हैं। लेकिन बाइक चोरी में बिहार दूसरे स्थान पर है, 29.5% फर्जी FIR के मामले में यहाँ पर बिहार है, ठीक है। दुष्कर्म घटना सबसे ज्यादा दिल्ली में होता है, ये ठीक है। ये समाचार का जो कटिंग है तुम लोगों को इसलिए बताया जा रहा है, ध्यान रखना है, अगर कोई पूछता है कि बिहार में विकास के अवरुद्ध होने का बहुत बड़ा कारण क्या है, या फिर कहेगा कि कारण लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम की मात्रा काफी ज्यादा है बिहार में, है ना, तो तुम वहां पर इसी चीज को कोट करोगे। यह भी जो है NCRB का ही आंकड़ा है, यह भी NCRB का आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है, इसलिए हम लोग हमारे पास डाटा है, ठीक है, मतलब सोर्सेज है, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, स्रोत को ले रहे हैं, विश्वसनीय स्रोत को लेकर बात कर रहे हैं। वहां बताना है ये सब बिहार में अपराध के कारण, अपराध की गतिविधियों के कारण, ऐसा माना जाता है कि अपराध की गतिविधियों के कारण डेवलपमेंट को थोड़ा बाधा पहुंचती है, लेकिन NCRB का जो आंकड़े हैं सर मैंने भी पढ़ा है, बिहार पटना से ज्यादा, मतलब बिहार की राजधानी से ज्यादा क्राइम सूरत में है, पुणे बंगलुरु दिल्ली में है, जैसा NCRB का आंकड़ा है, लेकिन ये सब शहर जो हैं सब जगह है और इसका राज्य भी है काफ़ी डेवलप्ड है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि विकास और क्राइम दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्राइम के अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, भूमि विवाद एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, बदले की भावना कारण हो सकती है, कोई डेवलपमेंट को तो रोक नहीं रहा है, मार्केट तो नहीं कर रहा है कोई बड़े बड़े कंपनियों के साथ, ठीक है, लेकिन सूरत पुणे बंगलुरु दिल्ली में जो डेवलपमेंट हो रहा है जबकि क्राइम भी वहां पर ज्यादा है, इसलिए उसको अलग नजरिए से देखे जाने की आवश्यकता है, ठीक है। इसलिए बिहार में विकास में बिहार का विकास पीछे रहने का कारण क्राइम एक कारण हो सकता है, लेकिन अन्य कारण ज्यादा ही है ना प्रेवलेंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का होना, रॉ मटेरियल का कमी का होना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम होना, ये सब बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, ऐसे तुम बताओगे। मतलब एक पॉइंट बताया गया है कि केवल बिहार में अपराध की बातें लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, है ना, बाकी और जगह भी क्राइम है, ठीक है। जिसका घर पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, वो इसको याद रखेगा, या जिसका जिला में कुछ स्पेशल कुछ है ना बताने के लिए कुछ होगा, वह विद्यार्थी इस तरह से जानकारी रखना चाहिए उसको। अब ये मोहर चावल,
एक चावल का किस्म है अबे मोहर, ये नई किस्म है, धान की किस्म है, ठीक है ना, और धान की किस्म नई है, नई है ये यहाँ पर चंपारण में इसको प्रयोग किया जा रहा है। मतलब एक ऐसा चावल है जिससे क्या होगा, आम की खुशबू आएगी, ठीक है ना, स्वाद को दुगुना करने वाला है ये। ऐसे भी चंपारण में बासमती और मरचा धान का काफी प्रचलन है, ठीक है, और नया एक चावल का किस्म आया है ये वाला अबे मोहर, जो तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि इसमें समझना है, इसमें हाई कैलोरी है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, नियासीन है, विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होती है, और चूंकि न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफी अधिक है इसलिए इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी ज्यादा है। ये सब पॉइंट को याद रखना है, कैलोरी भी है, प्रोटीन विटामिन है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, आयरन है ना, और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला है। इन सब न्यूज देखो छोटा छोटा चीज लग रहा है देखने में तुमको, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको इस तरीके से पढ़ना है। बहुत लोग रेलवे में काम करते हैं, उनका कहना था कि रेलवे का क्वेश्चन, हमने रेलवे और पुलिस ये दो डिपार्टमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन तैयार किया हुआ है, मतलब एक दिन क्लास अलग से उन लोग का लेंगे हम, ठीक है, तैयारी हो चुकी है। और संयोग से देखो ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है वो रेलवे वालों के लिए है कि हमारे देश के 6 रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी अब हवा से मिलेगा, और अभी क्या मिलता है, अभी भी तो पीने का पानी हवा से ही लेते हैं हम लोग, लेते हैं कि नहीं, नहीं लेते हैं, हाइड्रोजन और हाँ ऑक्सीजन का मिश्रण है। वेरी गुड। लेकिन ये अपना एक अलग तरीका है, ये सभी स्टेशन मध्य रेलवे के होंगे, ये ध्यान रखना है, हवा से पानी प्राप्त करने की जो बात है मध्य रेलवे का, सेंट्रल रेलवे मुंबई मंडल का है, और धीरे धीरे इसमें अन्य जोन को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। और यह तकनीक संयुक्त राष्ट्र से भी मान्यता मिल चुकी है, यूनाइटेड स्टेट्स जो हमारा है, यूनाइटेड नेशंस, उससे इसकी मान्यता मिल चुकी है, ठीक है। ये वायुमंडलीय जल जनरेटर बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, AWG, AWG एटमोस्फेरिक वाटर जनरेटर, AWG नोट कर लेना है, AWG, ठीक है, AWG, ठीक है ना, एटमोस्फेरिक वाटर जनरेटर, दैट इज कॉल्ड मेघदूत, मेघदूत, ठीक है ना, ये मेघदूत को याद क्या है, याद रखना है, एक डिवाइस है जो संक्षेपण के विज्ञान का उपयोग करके हवा से पानी निकालने में सक्षम है, ठीक है। यह स्टेशनों पर कियोस्क में पानी उपलब्ध रहेगा, एक्वाटिक प्राइवेट लिमिटेड के, मैत्री एक्वाटिक प्राइवेट लिमिटेड इस पर काम कर रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। हवा में जो मौजूद वाटर वेपर है, जलवाष्प है, वही जलवाष्प पेयजल में बदल जाएगा। मेघदूत AWG तकनीक के जरिए हवा में मौजूद जल वाष्प को ताजा और स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित कर सकता है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है, अभी नया टेक्नोलॉजी है, नया ये इनोवेशन है, ठीक है ना, तो स्विच ऑन करने के कुछ घंटा में पानी देने लगता है, एक दिन में लगभग 1,000 लीटर पानी प्राप्त किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इनोवेटिव आइडियाज हैं, रेलवे वाले लोग जरूर इसको याद रखेंगे। दूसरा हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ते हैं, अभी भी जो BPL के लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत अनाज दिया जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और इसके लिए जो सपोर्ट करने वाले थे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अग्रणी विशेषज्ञ थे अभिजीत सेन, नाम याद रखना, अभिजीत सेन, समिति भी बनाई गई थी उनका, अभी हाल फिलहाल में परसों निधन हुआ है 72 वर्ष की अवस्था में, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इनका, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है, एग्रीकल्चर प्राइस है ना, एग्रीकल्चर कॉस्टिंग एंड प्राइस कमीशन, ACPC, ACPC, ठीक है, या CAPC भी नाम है इसका, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड, ठीक है, कॉस्ट, एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड कॉस्ट, CAPC, याद रखना है। इसको शुरू करने वाले, इसको वैधानिक निकाय बनाने वाले अभिजीत सेन ही थे, जिसका इकोनॉमिक्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। इकोनॉमिक्स देखो, तो अलग अलग सब्जेक्ट वाले के लिए अलग अलग होता है, आप लोग निश्चित रूप से इसको ध्यान रखेंगे, लेकिन सबके लिए है, ठीक
न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उनके उपज पर न्यूनतम है ना समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाला जो स्कीम लाया गया था 1964 में, 63-64 में है ना, इसके बारे में भी इन्होंने ही सुझाव दिया था भारत सरकार को। और 24 खाद्यान्नों पर, 24 अनाजों पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे एश्योर्ड गारंटी है, एश्योर्ड है कि भाई इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, ताकि किसान उपज के लिए प्रोत्साहित हो और देश में अनाज की कमी नहीं हो, अकाल नहीं पड़े, अनाजों का मूल्य नहीं बढ़े, सरकार के गोदाम में भी अनाज भरा हुआ रहे, तो इसलिए उपज को बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी न्यूज। ये सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों से जुड़ी 10-11 याचिकाएं को बंद किए, जो लोग कुछ लोग अभी बात कर रहे थे कोर्ट के केसेस के बारे में, तो इसके बारे में जानकारी थोड़ा थोड़ा रखना है। ठीक है, हालांकि यह मैटर जो होता है काफी डिबेटेबल होता है, डिबेट का इशू है, गोधरा कांड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी तुम लोगों को। ठीक है, कल हमने सूखा के बारे में बताया था, और अभी यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना जरूरी है, जलवायु परिवर्तन प्रभावों को कम करना जरूरी है। ठीक है, और जो अभी गर्मी इतनी बढ़ रही है, तुम देखे सुने होगे कि लंदन में भी गर्मी इतनी बढ़ गई है, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री तक टेम्परेचर वहां पर पहुंच जा रहा है, लोग परेशान परेशान है, वहां पर कभी भी इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी। ठीक है ना, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, उत्तरी गोलार्ध है, वहां पर लू, सूखा, जंगल की आग, लू पड़ना ड्राउट का है ना, और जंगल की आग फॉरेस्ट फायर, ये काफी बढ़ गया है, और इसका मतलब है कि टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, अभी क्लाइमेट कंट्रोल को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, और आगे आने वाले दिन कैसा होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो लगातार कहता है कि दक्षिण में लगातार तीसरे दिन लालीना मौसम पैटर्न समान घटना से ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में अधिक बाढ़ और ठंड का अनुमान लगाया गया है। इन सब को देखते हुए वैश्विक तापमान के असर को मान रहे हैं लोग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, जो ज्योग्राफी के विद्यार्थी देखो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब इसके लिए तो उपाय क्या क्या होना चाहिए, सुझाव दिया गया है। कार्बन उत्सर्जन कमी लाने के प्रयास करने वाले जो देश हैं, खासकर लीडिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बिजली पैदा करने के लिए कोयले और तेल की ओर रुख कर रहे हैं, नया नया टेक्नोलॉजी उन्हें लगाया, एटॉमिक पावर पावर प्लांट भी लगाया। ठीक है ना, और बहुत सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर उन्होंने ध्यान दिया, वाटर एनर्जी, हाइड्रोलिक पावर से, सोलर पावर से। लेकिन फिर से अब क्या हो रहा है, ये लोग फिर से आ रहे हैं कहाँ, तेल की ओर, कोयले की ओर। ठीक है, और ये सबसे बड़ा जो है इसमें यूरोप अपने आप में है, हालांकि डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री को दोषी ठहराता है इसके लिए। ठीक है ना, लेकिन जो यूरोपीय कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, कार्बन के इमिशन के लिए सबसे ज्यादा उन्हीं का रोल रह रहा है। अभी जो यूक्रेन में युद्ध हुआ, यूक्रेन में रूस के युद्ध ने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या किया है, इस तरह के जो करना था, हमें उत्सर्जन में कमी करनी थी, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में यहाँ पर खेल रहा है, क्योंकि तो वहां तो बम्बार्डिंग हो रही है, नया नया एनर्जी के स्रोत को लेकर के नए नए प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। युद्ध में क्या होता है, विनाश भी होता है तो विकास भी होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है चीज को। ठीक है, और अभी टेम्परेचर बढ़ना, बिजली की कटौती होना, जलवायु परिवर्तन का जो पूरा संकेत इस तरह का है। ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड था, औद्योगिक जो दुनिया है, उसके पहले का जो टेम्परेचर था उसकी तुलना में अभी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1.9 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है। ठीक है ना, और हमें जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रण रखने के लिए, टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से कम बनाए रखना एक कठिन काम है, 1.5 डिग्री से कम रखना है, जो उस समय का था 1.5 डिग्री से कम रखना है। ठीक है ना, इसलिए हमें क्या करना होगा, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, ठीक है, इसे पॉइंट इंटरव्यू बोलना है, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, ठीक है, प्लांटेशन, अप्लांटेशन, नई नई तकनीक जो ऊर्जा का के खपत को है ना कम करता है, और इन सबसे ज्यादा जरूरी होता है विल पावर,
स्ट्रॉन्ग विल पावर सबसे ज्यादा आवश्यक होता है किसी भी काम को करने के लिए, तुम्हारे लिए भी है, ईएसआई में पास करने के लिए भी जरूरी है, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स आज तुम लोग को भेजा गया था, और ठीक है, ये समझ में आया सबको? यस सर। सर इसे एक करंट की न्यूज में दे सकते हैं कि जैसे कि करंटली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यूरोप में एक्सट्रीम हीट वेव्स चल रही हैं, फिर जैसे क्लाउड बस्टिंग के इंसिडेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये साइक्लोन के बहुत सारे इंसिडेंट बढ़ रहे हैं, तो इसे वही बात हो रही थी ना वहां, बताया ना कि जैसे अगर वहां पे पूछते हैं, जैसे अगर वो पूछते हैं कि जैसे कोई करंट का इंसिडेंट अभी जो जैसे इंटरनेशनल बताओ, तो उसमें ये बोल सकते हैं जैसे पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा फ्लड आया तो उसका रीजन भी वही है, और जैसे यूरोप में ऑलमोस्ट बोला जा रहा है कि 500 इयर्स में सबसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, तो सर ये सब उसमें ऐड कर सकते, मतलब बोल सकते हैं। हाँ, न्यूज में जब पूछा जाएगा कि आप कोई करंट न्यूज बताइए, है ना, वर्ल्ड का बताइए चाहे इंडिया का बताइए, तो उसमें बताना है, ठीक है। सर नेशनल न्यूज, नेशनल लेवल पे कुछ न्यूज है सर, जैसे पहला दूसरा तीसरा ऐसे, सर इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज है सर 1 2 3 4 ऐसे, है ना, ऐसे बताओगे। बिहार का न्यूज है सर, वहां पर 1 2 3 4 ऐसे बताओगे, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि सर इकोनॉमिकल सेक्टर का न्यूज इस तरह का है, गेम एंड स्पोर्ट्स से न्यूज आज के न्यूज में ये है, ठीक है, राजपाट से राजकाज के कार्यों से आज का न्यूज इस तरह का है, सोशल इश्यूज से संबंधित वुमेन से रिलेटेड इश्यूज में आज का न्यूज इस तरह का है, ऐसे बताना है। परिवहन संबंधित न्यूज जिसे अभी बताया था स्क्रैप पॉलिसी के बारे में, इसे बता देना है। तो अलग अलग सेक्टर को बांट करके न्यूज को बताने से इंटरव्यू बोर्ड को लगेगा कि तुम क्या हो, वेल अरेंज्ड पर्सनालिटी हो, वेल अरेंज करके बोलते हो। नहीं तो एक न्यूज हम लोग बात करेंगे श्रीलंका का, दूसरा बात करेंगे ब्रिटेन का, तीसरा इंडिया का, चौथा बिहार का, फिर पांचवा पाकिस्तान का, तो समझेगा कि तुम अस्त व्यस्त हो, ठीक है ना। तो अपने आप को व्यवस्थित पर्सनालिटी शो करने के लिए कोई भी आंसर दो, या छोटा छोटा आंसर हो, सिंपल आंसर नहीं हो, लेकिन तरीका व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला हम करवा दें, क्वेश्चन लेना चाहते ताकि तुम लोग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो, कुछ क्वेश्चन बोलो। किसी का और कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है? एक क्वेश्चन है सर, सर थोड़ा उससे कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है कि जैसे ग्रेजुएशन के बाद 10 साल का गैप हो गया है, तो उसे कैसे, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो उसे कैसे डील किया जाएगा? ऐसे ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारा गैप है, तो घबराने की बात नहीं है, कारण क्या है, हर एक इंडिविजुअल के गैप होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, है ना। कुछ लोग कहीं काम करने लग गया, कुछ लोगों को जॉब लग गया, कुछ लोग घरेलू कार्य में उलझ गया, कुछ लोगों का कोई बीमार पड़ गया, परिवार में कोई बीमार पड़ गया, है ना। तो अलग अलग विद्यार्थी का अलग अलग कारण रहता है, ठीक है, और वहां पर रियल आंसर बताना है, रियल आंसर बताना है, मतलब जो हुआ है बात वो बताना है, क्या ओके सर, है ना। यस सर, ओके, थैंक यू सर। क्या बोल रहे हो, बोलो, किसी का कोई क्वेश्चन है तुम्हारा जो समझ में नहीं आ रहा है बात तो बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि फॉर्म के समय हम जॉब के बारे में दर्शाया नहीं है कि जॉब के बारे में, गवर्नमेंट जॉब के बारे में नहीं लिखे हैं, और अभी हम गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म से पहले से ही हैं, तो सर क्या बताना जरूरी है जॉब के बारे में कि नहीं? पहली बात तो जब फॉर्म भरा रहा था उसके पहले से जॉब में है तो उसको मेंशन करना चाहिए था, है ना, तो मेंशन करना चाहिए, नहीं कर पाए थे उस समय। तो किस जॉब में है सर, किस जॉब में? अभी हम सर बिहार अग्निशमन सेवा में है। अच्छा अच्छा, हाँ तो बताया जा सकता है कि अभी क्या कर रहे हैं, तो बताना है कि सर अभी मैं बिहार अग्निशमन सेवा में हूँ, बताना है। जैसे सर उससे पहले हम रेलवे में थे तो
19 में हम बिहार अग्निशमन सेवा ज्वाइन किए थे, उसी टाइम ये फॉर्म आई हुई थी, तो ट्रेनिंग पीरियड में हम उतना ध्यान नहीं दे पाए और मैं फॉर्म भर दिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो सर बताना उचित रहेगा? हाँ हाँ बता देना है, बताना है, उसके बाद तैयारी रखना है, अग्निशमन सेवा के बाद तैयारी रखना है, क्या क्या काम करते हैं, है ना, फायर कंट्रोल कैसे करते हैं, आग लगने घटनाएं क्यों आग घटनाएं घटित हो रही है, बस क्लास भी करवाए थे इस पर हम, ठीक है ना? जी सर फायर कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, बिल्डिंग का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, है ना? अगर आप किसी आम आदमी को बताना चाहेंगे कि फायर कंट्रोल कैसे हो या आग लगने पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग कैसे देंगे, कैसे बताएंगे, है ना, ये सब चीज वहाँ पर पूछा जा सकता है, जिसको अच्छे से बताना है, एक एक्सपर्ट के रूप में बताना पड़ेगा, बाकी लोग तो बताएगा जनरलिस्ट के रूप में, तुमको बताना है स्पेशलिस्ट के रूप में। आनंद अमन नेहा छपरा, नेहा के समय सर एक्सपीरियंस बता सकते हैं क्या? कौन बोल रहे हो सर? नेहा कुमार बोल रहा हूँ सर। सर इंट्रोडक्शन के समय हम लोग ने, नेहा कुमारी बोलो। बीच में मेरा 16 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। जोर से बोलो, तो जोर से बोलो सर। मैंने 16 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, तो 17-19 में मैंने बीएड किया हुआ है, तो इंटरव्यू में वो बताना जरूरी होगा सर? देखो जरूरी कोई भी चीज नहीं रहता है, ठीक है, आवश्यक, ठीक है, आवश्यकता तुमको महसूस हो रही कि नहीं ये देखना है। 16 में ग्रेजुएशन किया तो अभी तक क्या कर रहे थे, ठीक है, तो बताना है कि सर मैंने, बहुत लोग जो इस तरह के होंगे सबके लिए एक ही आंसर होगा, सर मैंने स्नातक करने के बाद विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में तैयारी करना प्रारंभ कर दिया, और इसी बीच में जॉब सिक्योरिटी के पर्पज से मैंने बीएड भी किया है सर, परंतु मेरा पूरा ध्यान, ठीक है, मेरा पूरा ध्यान सरकार के द्वारा निकाले गए जो आई गई वैकेंसियां होती हैं, जैसे बीएसएससी बीपीएसएससी, उन परीक्षाओं पर मैंने पूरा फोकस किया, या बीपीएससी भी बोल सकते हो, लेकिन अभी बीएससी और बीपीएसएससी ही बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, जिसमें मैंने पूरा फोकस किया है सर, और मैं इसी तैयारी में लगी हुई हूँ या लगा हुआ हूँ, और 2019 में ईएसआई की वैकेंसी आई सर, मैंने उसको भरा पूरे मनोयोग से, पूरे एकाग्रचित होकर मैंने इसी तैयारी को किया है सर, और मैं अभी आपके सामने हूँ, बस चूंकि तुमने तैयारी किया तभी तो इंटरव्यू देने आया हो ना, इसलिए बोलना है पूरे मनोयोग तैयारी किया, इसलिए भी मैं आपके सामने हूँ। आनंद अमन, इंट्रोडक्शन आनंद अमन सर, सुमिता की सर ईएसआई में आपकी स्टार्टिंग क्यों होनी चाहिए? कैसे बोलो? ईएसआई में आपको क्यों सिलेक्ट किया जाना चाहिए? हाँ क्यों करना चाहिए बताओ सर? ऐसे उनके मैं तो थोड़ा लिखा था क्योंकि ईएसआई बनने के लिए एक लीडरशिप की जरूरत होती है, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत सारे कांस्टेबल वर्क के अंदर रहते हैं, उसके लिए उसके पास मोटिवेशन पावर होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, तो ये सब वो मेरे में है। आप मैंने अपने दोस्त से या मैं अपने फैमिली से रिव्यू करवाया तो उन्होंने कहा कि ये क्वालिटी तुम्हारे में है, इस वजह से मुझे सेलेक्ट करना चाहिए। तुम्हारे फैमिली तुम्हारे दोस्त एक्सपर्ट हैं जो रिव्यू किए हैं इस चीज के? एक्सपर्ट मेरे, हैं मेरे इस चीज के नहीं है, लेकिन मेरे भैया सचिवालय सहायक में है और एक मेरे भैया है वो बीपीएससी वो वीडियो में है, तो उसके द्वारा मैंने यह सलाह लिया। उससे क्या हो जाता है, वीडियो में है तो कोई सर्टिफिकेट लिए हुए हैं वो कि हमारा सर्टिफिकेट दे देंगे कि तुम ईएसआई के योग्य हो? नहीं नहीं, कि ये सब क्वालिटी मेरे, मैंने ईएसआई के बारे में बोला सर कि मैंने ये सब क्वालिटी मेरे में है तो इस वजह से ईएसआई मुझे सिलेक्ट करना चाहिए। सीधे अपने से बताना है, ठीक है, अपने बताना है कि सर मैं समझता हूँ कि मैं टीम वर्क में, ठीक है, टीम भावना के साथ कार्य करने में विश्वास करता हूँ, मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है, हालांकि इसके लिए एग्जाम्पल से तुमको सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, जो टाइम ओरिएंटेड में काम करने में विश्वास करता हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड जो हमारा काम है वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने की कोशिश में करता हूँ, ताकि कोई भी काम करूँ तो रिजल्ट तक पहुँचे, ठीक है ना, और सरकार की योजनाओं, सरकार के जो लक्ष्य हैं, सरकार के जो उनके रिक्वायरमेंट है, आम जनता की सरकार जो काम कर रही है उसके प्रति मैं काफ़ी संवेदनशील हूं, तो मुझे लगता है ईएसआई के रूप में भी इन सारे गुणों का होना आवश्यक है, और वो सारे गुण मुझ में है,
ठीक है, कुछ में है सर, इसलिए मुझे ESI के रूप में